किसान भाइयों और बहनों, A4 चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज देश में हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। बाकी राज्यों में गन्ने का भाव कम है और सभी जगह पेमेंट की समस्या भी बनी रहती है। इसका कारण है कि चीनी मिल मालिक इस समस्या के लिए चीनी के भाव को जिम्मेदार मानते हैं। अब सरकार ने इस ओर गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि गन्ने का भाव चीनी के दाम पर निर्भर न रहे, बल्कि गन्ने से चीनी के अलावा भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जिससे कि किसानों को गन्ने का अच्छा दाम मिले व समय से पेमेंट भी हो सके। इसके लिए विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया है कि गन्ने से एथनॉल बड़ी मात्रा में बनाया जाए और इसे पेट्रोल में ज़्यादा परसेंटेज में मिक्स किया जाए। इससे एक तो बाहर से आयात होने वाले तेल पर कम खर्च होगा और दूसरे किसानों को भी ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सकेगा। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। सरकार 3 रुपये प्रति लीटर एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है। अभी एथेनॉल की कीमत 43.75 रुपये से 59.48 रुपये प्रति लीटर है। एथेनॉल एको फ्रेंडली फ्यूल है और यह हमारी गाड़ियों व पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। इसके उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाई ऑक्साइड को भी कम करता है। किसान भाइयों, आप सीधे यह समझ लें कि सरकार गन्ने से एथेनॉल बनाने पर जोर देगी और उसे पेट्रोल में ज़्यादा परसेंटेज में मिलाएगी, तो इससे चीनी का उत्पादन कम होगा और चीनी मिल मालिकों को एथेनॉल की बिक्री से ज़्यादा लाभ होगा और वे समय से पेमेंट भी कर सकेंगे और गन्ने का भाव भी किसानों को ज़्यादा दे सकेंगे। सरकार यह मॉडल ब्राज़ील से लाई है। वहाँ की सरकार जब चीनी बाज़ार में सस्ती होती है तो एथेनॉल ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है और जब चीनी के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो एथेनॉल की मात्रा को घटा देती है। यदि भारत में भी ऐसा हो जाता है तो किसानों को गन्ने के 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव भी आसानी से मिल सकता है और पेमेंट की समस्या का भी समाधान हो सकता है। किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।